नमस्कार, जय हिंद। वाईफाई नॉलेज में आप सभी का स्वागत है। गाइज, मेरा नाम लखन सैनी और आज हम पढ़ने वाले हैं बुशमैन जनजाति के बारे में। देखिए, बुशमैन जनजाति जो है वो अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थल की जनजाति है। इस जनजाति को विभिन्न नामों से जाना जाता है, जैसे कि कोसान, रव्वी और बसारना। कोसान, रव्वी, बसारना आदि जो नाम है ये बुशमैन जनजाति के स्थानीय नाम है। इस जनजाति की जो जनसंख्या है वर्तमान में कम होती जा रही है, क्योंकि उत्तर की तरफ से बांटू और होटेंटाट जैसी जनजातियां इनके ऊपर आक्रमण करती रहती है, और दक्षिण की तरफ से दक्षिणी अफ्रीका के जो मूल निवासी है वो इनके क्षेत्र में अतिक्रमण करते जा रहे हैं। इस कारण से इनकी जनसंख्या घटती जा रही है। वर्तमान में इनकी जनसंख्या लगभग 10,000 के करीब रह गई है। इनकी जनसंख्या जो है वर्तमान में 10,000 के करीब रह गई है। देखिए, बुशमैन जनजाति की जो शारीरिक संरचना है वो निग्रो प्रजाति से मिलती जुलती है। बुशमैन की जो शारीरिक संरचना है वो निग्रो प्रजाति से मिलती जुलती है। लेकिन गाइज, इनकी शारीरिक संरचना में निग्रो प्रजाति से विभिन्नता भी देखने को मिलती है, क्योंकि बुशमैन प्रजाति का जो जबड़ा है वो निग्रो की तरह बाहर नहीं निकला होता, और इनके जो दांत हैं वो भी निग्रो की तरह बाहर नहीं होते हैं। इसके अलावा इनकी जो आँखें हैं वो भी चौड़ी नहीं होती है। अब जान लेते हैं हम इनके निवास क्षेत्र के बारे में। देखिए, बुशमैन जो हैं वो मुख्य रूप से, जैसा कि मैंने आपको बताया, कि वो कालाहारी मरुस्थल में निवास करते हैं, और कालाहारी मरुस्थल जो है वो फैला हुआ है नामीबिया, बोत्सवाना और अफ्रीका में। नामीबिया, बोत्सवाना और दक्षिणी अफ्रीका में। इस प्रकार बुशमैन जनजाति मुख्य रूप से नामीबिया, दक्षिणी अफ्रीका और बोत्सवाना देश में निवास करती है। इनका जो निवास क्षेत्र है वो 18 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 24 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य पाया जाता है। इस प्रकार इनका जो ये क्षेत्र है वो उष्णकटिबंध के अंतर्गत आता है। इस बुशमैन जनजाति का जो निवास क्षेत्र है वो उष्णकटिबंध के अंतर्गत आता है। इस कारण से यहाँ की जलवायु अपेक्षाकृत गर्म रहती है। यहाँ की रातें अपेक्षाकृत ठंडी होती है और दिन जो हैं वो गर्म होते हैं। यहाँ की जो शीत ऋतु है वो छोटी होती है और ग्रीष्मकाल जो है वो लंबा होता है। जिस प्रकार से हमारे राजस्थान में भी ग्रीष्मकाल लंबा होता है और शीत ऋतु छोटी होती है, उसी प्रकार से कालाहारी मरुस्थल में भी शीत ऋतु छोटी होती है और ग्रीष्म ऋतु बहुत लंबी होती है। देखिए, ये जो क्षेत्र है ये मुख्य रूप से मरुस्थली क्षेत्र है। इस कारण से यहाँ पर वर्षा भी बहुत कम होती है। यहाँ पर जो वर्षा का औसत है, वो 25 सेमी के लगभग रहता है। वर्षा का जो वार्षिक औसत है वो 25 सेंटीमीटर के लगभग रहता है। इस प्रकार यहाँ पर पानी की अत्यधिक कमी रहती है। विशेष रूप से ग्रीष्मकाल में पानी की अत्यधिक कमी हो जाती है। उस समय मानव और पशु दोनों ही पानी की तलाश में इधर उधर भटकते रहते हैं। देखिए, यहाँ पर एक प्रकार का तरबूज पाया जाता है जिसे त्यामा कहा जाता है। त्यामा से इन लोगों को पानी की प्राप्ति होती है। ग्रीष्मकाल में त्यामा से इनको पानी की प्राप्ति होती है। इस कारण से जानवर और मानव दोनों ही त्यामा की खोज में लगे रहते हैं। देखिए, इस क्षेत्र में मुख्य रूप से जो जानवर पाए जाते हैं उनमें प्रमुख है कई प्रकार के हिरण, इसके अलावा कोद्दू, स्टेनबोर, जेब्रा, जिराफ, शुतुरमुर्ग, इसके अलावा वन बिलाव, खरगोश, जंगली बिल्ली और सियार आदि यहाँ के प्रमुख जानवर हैं। कई प्रकार के हिरण, कोद्दू, स्टेनबोक, जेब्रा, जिराफ, शुतुरमुर्ग, वन बिलाव, खरगोश, जंगली बिल्ली और सियार आदि यहाँ के प्रमुख जानवर हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक प्रसिद्ध पार्क भी पाया जाता है जिसे
एटोसा पार्क के नाम से जाना जाता है, एटोसा पार्क। एटोसा जो अभ्यारण्य है वो इसी कालाहारी मरुस्थल में स्थित है। अब हम जान लेते हैं, देखिए ये जो जानवर है ये है कोद्दू, ये जो जानवर है कोद्दू है, और दूसरा ये जो जानवर है ये है स्टेनबोक। स्टेनबोक जो है वो एक हिरण के जैसा जानवर होता है, जबकि कोद्दू जो है वो हमारे यहाँ पर जो नीलगाय पाई जाती है उसके समान एक जानवर होता है। अब हम जान लेते हैं बुशमैन के आर्थिक क्रियाकलापों के बारे में। देखिए बुशमैन का सबसे प्रमुख आर्थिक क्रियाकलाप है आखेट, क्योंकि आखेट से इनको भोजन मिलता है, आखेट से इनको वस्त्र मिलते हैं, और आखेट से इनको विभिन्न प्रकार के औजार मिलते हैं। इस कारण से आखेट जो है इनका सबसे प्रमुख आर्थिक क्रियाकलाप माना जाता है। आखेट के लिए ये लोग भाले का प्रयोग करते हैं, इसके अलावा तीर कमान का प्रयोग करते हैं। छोटे जानवरों को मारने के लिए भाला एवं तीर कमान का प्रयोग किया जाता है, और बड़े जानवरों को मारने के लिए या तो ये लोग उनको कीचड़ में फंसा देते हैं या फिर गड्ढा खोदकर उसमें गिरा देते हैं। इस प्रकार बुशमैन लोग बड़े बड़े जानवरों का भी शिकार कर लेते हैं। इसके अलावा जब कभी बुशमैन लोग शिकार करते हुए दूसरे समूह के क्षेत्र में प्रवेश कर जाते हैं तो उन्हें शिकार में से बंटवारा भी करना होता है। अब हम जान लेते हैं इनके भोजन के बारे में। देखिए इनके भोजन में मुख्य रूप से हैं मछलियाँ, इसके अलावा पेड़ों की जड़ें और शहद। मछली, पेड़ों की जड़ें एवं शहद की प्रमुखता रहती है। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के जानवरों के मांस का भी ये लोग भक्षण करते हैं। इनके यदि सबसे प्रिय भोज्य पदार्थों की बात करें तो उसमें आता है दीमक, चींटियां एवं चींटियों के अंडे, चींटियों के अंडे। देखिए दीमक, चींटियां और चींटियों के अंडे जो है इनके प्रिय भोज्य पदार्थ हैं। देखिए ये जो लोग हैं ये सर्वाहारी होते हैं, ये सभी प्रकार के भोज्य पदार्थों को खाने में प्रयोग करते हैं। इसके अलावा ये जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा खाते हैं। एक अकेला बुशमैन जो है एक समय में आधी भेड़ का मांस तक खा लेता है। अब हम जान लेते हैं इनके वस्त्रों के बारे में। तो देखिए इनके वस्त्रों में यदि बात करें पुरुषों के वस्त्रों की, तो पुरुष पहनते हैं एक प्रकार की लंगोट, पुरुष एक प्रकार की लंगोट पहनते हैं, जबकि स्त्रियां एक चौकोर एप्रेन पहनती हैं। स्त्रियां चौकोर एप्रेन, स्त्रियां चौकोर एप्रेन पहनती है, जबकि पुरुष एक प्रकार की लंगोट पहनते हैं। इसके अलावा स्त्रियों का एक और महत्वपूर्ण वस्त्र है जिसे चोंगे के नाम से जाना जाता है। चोंगा जो है इनका स्त्रियों का सबसे महत्वपूर्ण वस्त्र माना जाता है, जिसे स्थानीय भाषा में क्रोस कहा जाता है। स्थानीय भाषा में इसको क्रोस कहा जाता है। क्रोस एक तरह का वस्त्र भी होता है और एक वस्त्रबंध भी होता है, जिसमें स्त्रियां अपने बच्चों को भी रख लेती है और साथ ही साथ इकट्ठा की हुई विभिन्न प्रकार के जो खाद्य पदार्थ हैं उनका संग्रहण भी कर लेती है। अब हम जान लेते हैं इनके निवास क्षेत्र के बारे में। देखिए बुशमैन जो लोग हैं ये गुफाओं में भी निवास करते हैं। इसके अलावा घास फूस एवं लकड़ियों से बनी हुई झोंपड़ियों में भी निवास करते हैं। देखिए ये लोग समूह में निवास करते हैं और इनके एक समूह में लगभग 8 से 10 झोंपड़ियाँ होती हैं, और इस 8 से 10 झोंपड़ी के समूह को वर्फ कहा जाता है। 8 से 10 झोंपड़ियों का जो समूह है उसे वर्फ कहा जाता है। वर्फ इनका एक अस्थायी गाँव होता है, वर्फ जो है इनका अस्थायी गाँव होता है। अब हम जान लेते हैं इनके औजारों के बारे में। इनके औजारों में प्रमुख औजार हैं तीर कमान, भाले, बर्छे एवं डंडे। भाले, बर्छे एवं डंडे इनके प्रमुख औजार हैं। देखिए तीरों का निर्माण ये लोग शुतुरमुर्ग की जो टांगे हैं उनसे करते हैं, और उन टांगों के ऊपर जहर लगा लेते हैं, जिससे जानवरों की मृत्यु शीघ्रता से हो जाती है। देखिए बात करें यदि इनके बर्तनों की, तो इनके बर्तन जो हैं वो बहुत कम होते हैं। इनके अधिकांश जो बर्तन हैं वो शुतुरमुर्ग के अंडों की खोल के बने हुए होते हैं।
शुतुरमुर्ग की अंडों की खोल से एक मटकीनुमा बर्तन बनाते हैं जिसमें ये लोग पानी का संग्रहण कर लेते हैं। इसके अलावा हिरण के पेट की जो थैली होती है, हिरण के पेट की जो खाल होती है, उससे भी ये वस्त्रों का निर्माण करते हैं। अब हम जान लेते हैं बुशमैन के समाज एवं संस्कृति के बारे में। देखिए, बुशमैन बहुत छोटे छोटे समूह में निवास करते हैं। इनके एक समूह में लगभग 20 व्यक्ति होते हैं। इसके अलावा ये जो लोग हैं, ये बहुत ज़्यादा जादू टोनों में विश्वास करते हैं। इसके अलावा भूत प्रेतों में विश्वास करते हैं। इनका जो प्रेत आत्माओं को दूर करने वाला व्यक्ति होता है, उसे ये लोग ओझा कहते हैं। प्रेत आत्माओं को दूर करने वाला जो व्यक्ति होता है, उसको ये लोग ओझा कहते हैं। इसके अलावा ये लोग दो प्रकार के भगवान में विश्वास करते हैं, एक जो पूर्व में रहता है और दूसरा जो पश्चिम में रहता है। इसके अलावा बुशमैन के द्वारा जो चट्टानों पर पेंटिंग्स की गई है, वो पेंटिंग्स भी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। अब हम जान लेते हैं इनके पर्यावरण के समायोजन के बारे में। देखिए, बुशमैन लोगों में जीवित रहने की एक शक्तिशाली चेतना पाई जाती है। ये लोग जो हैं बहुत कम सामान रखते हैं और बहुत कम बच्चे रखते हैं। इस कारण से आसानी से इधर उधर घुमक्कड़ जीवन व्यतीत करते रहते हैं। इसके अलावा इनकी जो स्त्रियाँ हैं, वो अकाल के समय गर्भधारण करना बंद कर देती है। और ये जो लोग हैं, ईंधन के रूप में बहुत कम लकड़ी का प्रयोग करते हैं और साथ ही साथ शिकार के प्रत्येक भाग का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार इनका जो पर्यावरण के साथ समायोजन है, वो बहुत ही देखने लायक है। वर्तमान में बुशमैन लोगों के जीवन में बहुत परिवर्तन आ रहा है। ये लोग अब आखेट के स्थान पर स्थायी कृषि भी करने लगे हैं और साथ ही साथ इनके जो वस्त्रों का जो पहनावा है, उसमें भी लगातार परिवर्तन आ रहा है। इस प्रकार गाइज, आज का वीडियो हमारा यहीं पर समाप्त होता है। आशा करता हूँ आपको ये पसंद आया होगा। धन्यवाद।